वेलकम बैक टू माई DIY हब। आज के वीडियो में मैं एक नेचुरल बाथ पाउडर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे आप फेस और बॉडी उपटन भी कह सकते हैं और इसके इस्तेमाल से आपका फेस और बॉडी बिल्कुल ग्लोइंग, फेयर और ग्लॉसी हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस पाउडर को मैं बल्क में बना के रखती हूँ क्योंकि रेगुलर यूज के लिए ईजी हो जाता है। फिर आइए अब देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेसन या ग्राम फ्लावर ले लिया है, जो कि एक बहुत अच्छा नेचुरल स्किन क्लेंजर है। ग्राम फ्लावर एक बहुत जेंटल एक्सफोलिएटर है और एक माइल्ड स्क्रब की तरह भी एक्ट करता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्लीन बोल ले लिया है और अब मैं इसमें 3.5 टेबल स्पून बेसन या ग्राम फ्लावर के डाल दूंगी। नेक्स्ट मैंने चावल का आटा या राइस फ्लावर लिया है। राइस फ्लावर एक बहुत ही अच्छा स्किन वाइटनिंग एजेंट है और ये अगेन एक बहुत अच्छा माइल्ड एक्सफोलिएटर भी है। 1.5 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून के बीच आप डाल सकते हैं राइस फ्लावर। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है मसूर दाल पाउडर और रेड लेंटिल पाउडर। आप सिंपली मसूर का दाल ले और उसको ग्राइंड कर ले फूड प्रोसेसर में। अगर आप चाहें तो उसे छान सकते हैं, मैं हमेशा छान लेती हूँ उसे। मसूर दाल बहुत अच्छा है स्किन ब्राइटनिंग और टाइटनिंग के लिए। एक बड़ा चम्मच मसूर दाल पाउडर डाल दें। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा सैंडलवुड पाउडर या चंदन का पाउडर। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि उनके यहाँ चंदन का पाउडर अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस आप मुल्तानी मिट्टी का पाउडर यूज कर सकते हैं। चंदन का पाउडर स्किन को एक कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट पहुंचाता है और समर्स के लिए ये बहुत बेहतरीन है, तो इसका आप एक बड़ा चम्मच डाल दें। अगला इंग्रेडिएंट है ऑरेंज पील पाउडर। ये आपके बाथ पाउडर में एक बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस डाल देता है। अगर आप पिगमेंटेशन से सफर करते हैं तो ऑरेंज पील पाउडर डालना बहुत जरूरी है। ऑल्सो ऑरेंज पील पाउडर इज अ वेरी गुड एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर। इसके 1.5 टेबल स्पून डाल दें। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा हल्दी पाउडर। अगर आपके पास कस्तूरी मंजन या वाइल्ड टर्मरिक है तो आप वो डालें। बिल्कुल थोड़ा सा डालें, करीब एक चुटकी। लास्ट इंग्रेडिएंट है नीम पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नीम लीव्स को ड्राई करके यूज कर सकते हैं तो वो यूज करें। मैंने यहाँ नीम पाउडर यूज किया है। नीम एंटीबैक्टीरियल होता है नेचर में और ये फेस और बॉडी पे रैशेस और पिंपल होना प्रिवेंट करता है। इसके रेगुलर यूज से आपके ब्लेमिशेस और स्कार्स भी लाइट हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच नीम पाउडर के यूज किए हैं। अब इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिला ले। दैट्स इट गाइस, आपका बाथ पाउडर बिल्कुल बन के तैयार है और अब इसी पाउडर को आपको यूज करना है। यहाँ मैंने एक कंटेनर ले लिया है जिसमें मैं इस पाउडर को स्टोर करके रखूंगी। बोल से इसे कंटेनर में स्टोर करके रख ले। ध्यान रहे कि कंटेनर एयरटाइट हो। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसे यूज कैसे करना है। बनाए हुए पाउडर के 2 टेबल स्पून ले एक क्लीन बोल में। अब इसमें इनफ कच्चा दूध और गुलाब जल डाल के पेस्ट बना ले। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है तो मैं दोनों चीजें डाल रही हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सिर्फ दूध डाल के पेस्ट बनाएं और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो गुलाब जल से पेस्ट बना लें। आप चाहे तो योगर्ट या कर्ड भी यूज कर सकते हैं पेस्ट बनाने के लिए। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें जब तक कि एक थिक सा पेस्ट ना मिल जाए आपको। अब मैं इसे आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी। आप अपने फेस या बॉडी पे इस पैक को लगाएं अच्छे से और इसे स्क्रब करें जेंटली। अपने हाथ को थोड़ा भिगा लें या डैम्प कर लें, या आप बाथ लूफा भी यूज कर सकते हैं उसे डैम्प करके। 3 से 5 मिनट तक अपर सर्कुलर मोशंस में से स्क्रब करें। उसके बाद 10 से 15 मिनट उसे ऐसे ही छोड़ दें, फिर वॉश इट आउट विद रेगुलर वाटर। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए कम से कम 3 बार इसे यूज करें वीक में। नहाने से पहले यूज करें और इंस्टेड ऑफ यूजिंग सोप एंड शावर जेल्स आप ये बाथ पाउडर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है आपके स्किन के लिए, प्लस केमिकल फ्री है बिल्कुल। जो भी टैन और पिगमेंटेशन है आपके बॉडी पे वो भी निकल जाएंगे, प्लस आपका स्किन फेयर और ग्लॉसी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं प्लीज लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय गाइज।